अभी भी अगर साइबर कैफ चलाते हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं या कोई भी है, तो आप अगर अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं लैपटॉप पीसी मोबाइल या कंप्यूटर से, तो उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन फाइल होता है, जो उसमें पीडीएफ डाउनलोड होता है आधार कार्ड का, वो पासवर्ड प्रोटेक्शन फाइल होता है, उसमें पासवर्ड लगा होता है। तो उस कैसे आप आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल को के पासवर्ड लगाकर खोल सकते हैं, आज की इस वीडियो कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ। तो शुरू से लास्ट तक हमारे वीडियो साथ बने रहिए फ्रेंड्स। आपको मैं अपना जो है यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड करके और उसको पासवर्ड को डालकर खोल कर बताऊँगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सिंपल से फ्रेंड्स यहाँ पर सर्च करना है आपको माई आधार। इससे माई आधार सर्च करेंगे फ्रेंड्स, आप कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेंगे। माई आधार का जो भी वेबसाइट है यहाँ पे ओपन होकर के आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। जैसे डेस्कटॉप मोड कर लेना है यहाँ से, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे तीर का आइकन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप मोड कर लेना है आपको। यहाँ देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप मोड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फिर सबको डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पे डाउनलोड आधार, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, इनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इस तरह से ऑप्शन वाला सारे फ्रेंड्स आ चुका है। तो हमारे पास अगर आधार नंबर है तो इस पर क्लिक करूँगा, अगर आधार नंबर नहीं है तो मैं इनरोलमेंट नंबर से डाउनलोड करूँगा, तो विजुअल आई डी से डाउनलोड करूँगा। तो मेरे पास फ्रेंड्स यहाँ पे आधार नंबर है, सिंपल से आधार नंबर डालकर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर ई वाला कैप्चर को आपको यहाँ पर डालना है, फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे आधार नंबर डालकर मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, कैप्चर डाल करके मैंने फ्रेंड्स आधार नंबर कैप्चर डाल दिया है, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जिससे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी ओटीपी आएगा फ्रेंड्स, उस ओटीपी को सिंपल से यहाँ पे डालना है, और डालने के बाद सिंपल से यहाँ वेरीफाई का जो ऑप्शन है वेरीफाई एंड डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए ओटीपी डालकर मैं क्लिक करता हूँ, मैंने फिर से ओटीपी डाल दिया है, सिंपल से वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने इस पर डाउनलोड वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे आधार कार्ड जो है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, और मेरे ये कुछ ही देर में यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो जाएगा आधार कार्ड, ठीक है। और आधार कार्ड का पास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मेरा फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया कांग्रेचुलेसन, यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ आ गया द आधार लेटर पीडीएफ पासवर्ड विल बी इन 8 कैरेक्टर्स। 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होता है जो डालना है आपको। एग्जांपल के तौर पे यहाँ बताया गया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं योर नेम इज इतना और यहाँ पे बर्थ इतना, ठीक है। तो जो भी आपका नाम होगा फ्रेंड्स, उस नाम का फर्स्ट 4 डिजिट और उसका डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नाम है, अगर यहाँ पर मेरा नाम हो गया सुमन, ठीक है, मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया 1/1/1995, ठीक है। तो यहाँ पे सुमन जो ये लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, तो सिंपल से यहाँ पे कैपिटल लेटर में होना चाहिए सब कुछ, 4 डिजिट शुरू से 4 डिजिट कैपिटल में होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ का ईयर का जो होता है ये 1995 होना चाहिए। यानी कि आप लास्ट में भी देख सकते हैं, बगल में देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे डालकर बताया है, बगल में स्क्रॉल हो रहा है उसे देखकर आप समझ सकते हैं। और उसके बाद समझ लेना है आपको कि नाम का आपको फर्स्ट 4 डिजिट कैपिटल लेटर में डालना है और स्पेस नहीं देना है, और डेट ऑफ बर्थ में का ईयर जो होता है केवल ईयर डालना है, 1995-96 जितना भी होगा उतना उसमें साथ में डालना है, फिर ओपन करना है। जैसे चलिए यहाँ पर मैं डाउनलोड में जाता हूँ, यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो गया जो आधार कार्ड फ्रेंड्स, सिंपल से यहाँ पर ये शो कर जाएगा, ये शो नहीं किया क्यों देख ले रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा ऑटोमेटिक कट गया है। तो चलिए यहाँ फिर से मैं ओपन करके इसको देख ले रहा हूँ, मैंने गूगल खोला, डाउनलोड वाला फोल्डर में मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ मेरा आधार कार्ड यहाँ फ्रेंड्स डाउनलोड हो चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पीडीएफ में आना है, पीडीएफ व्यूअर में क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में सब कुछ डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर में डाल दिया और अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर भी डाल दिया, ठीक है, और ओपन भी क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए मेरा आधार कार्ड कुछ इस तरह से डाउनलोड करके ओपन हो गया, मैंने ओपन किया है। तो पीडीएफ के फाइल को आप कुछ इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं आधार कार्ड का फ्रेंड्स। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना भूलिए।